आलोट में एक दिन पूर्व रात्रि में हुई इस घटना के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा इसका विरोध दर्ज करवाया गया और अपना विरोध दर्ज कराते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में रात को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की व प्रशासन को उनके मकान तोड़ने का जिक्र भी किया। रात में हुई इस पूरी घटना का जायजा लेने रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी घटनास्थल विक्रमगढ़ पहुंचे, जहां विवादित घटनास्थल पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर ने दोनों पक्षों को जिला अध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक ने समझाइश देते हुए कहा कि क्षेत्र का वातावरण सुखद रहे इसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है और कहा कि कुछ भी घटनाक्रम की जानकारी अगर है तो आप वो जानकारी पुलिस थाने में दें, ना कि कानून अपने हाथ में लें। तीखे तेवर में दिखे कलेक्टर पुरुषोत्तम और कहा कि जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर तोड़े जाएंगे, रासुका लगाई जाएगी और कहा कि किसी की नहीं सुनी जाएगी। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने कहा कि जो भी आरोपी है जनप्रतिनिधि वो दोनों पक्ष उनकी जानकारी पुलिस को दें, बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करें क्योंकि बाद में आप ही लोग आकर अपराधी को बचाने का काम करते हैं, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इस दौरान विधायक मनोज चावला, शहर काजी मुजक्किल अली काजी, भाजपा नेता ओपन सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह अंजुना, दिनेश कोठारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामलाल धाकड़, किसान कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह परिहार, दिलीप सिंह डोडिया, एडवोकेट लुकमान खान, मेव शाहिद खान, यूसुफ शाह सहित शहीद दोनों पक्षों के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। टारगेट बना रहे हैं जो भी लोग हिंदू मां बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो भी लोग हिंदुओं के जो मान एक बहुत ही क्लियर मैसेज बता दिया गया है कि जो भी दोषी होंगे पुलिस की कार्रवाई चल रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं दोनों पक्ष के होंगे, और हम इस कार्रवाई में पक्ष नहीं देखते, जो भी दोषी हो चाहे किसी समाज के उन पर सख्त कार्रवाई होगी और इस बार ये कार्रवाई वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, तो सबके अवैध निर्माण होंगे वो भी तोड़े जाएंगे, अन्य एक्ट में जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होने नहीं दी जाएगी। कि कार्यकर्ता जो हिंदुओं के लोग हैं वो घर जाते समय, अपने घर की तरफ जाते समय विशेष वर्ग द्वारा उन पर अत्याचार मारपीट करना, इसको लेकर आज यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया, हिंदू समाज ने सभी को प्रशासन को ज्ञापन दिया, तो प्रशासन ने जो कार्रवाई करना थी करी है और भी जो बाकी कार्रवाई हिंदू समाज जो चाहता है वो विश्व हिंदू परिषद चाहता है वो कार्रवाई प्रशासन पूरी तरीके से करे।